नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स यानी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्र बढ़ने के साथ या अन्य कारणों से, जैसे चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से या बीड़ी सिगरेट पीने से या ज़्यादा धूप में रहने से, होठों का प्राकृतिक गुलाबी रंग हो जाता है और वो गहरे रंग के या काले रंग के हो जाते हैं। होठों के काले पड़ने का एक कारण होठों का फटना भी है, जिसके उपाय हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कारगर और आसान से घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनके उपयोग से आप अपने होठों को सुंदर, गुलाबी और आकर्षक बना सकते हैं। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, होठों के काले पड़ने का एक कारण उन पर डेड स्किन सेल्स का जमा होना भी है और उसको हटाने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं। स्क्रबिंग, इसके लिए आप एक टूथब्रश लीजिए और उसको गीला कर लीजिए, फिर उसको बहुत ही हल्के हल्के अपने होठों पर घुमाइए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि टूथब्रश बहुत ही मुलायम होना चाहिए और इसे जोर जोर से होठों पर रगड़ना नहीं है। ऐसा आप नियमित रूप से कीजिए, इससे आपके होठों पर जमी डेड स्किन सेल्स हट जाएंगी। इसके अलावा आप घर पर ही होठों के लिए स्क्रब भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच हनी यानी शहद, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नारियल का तेल। इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए और ध्यान रहे कि चीनी इसमें घोलनी नहीं है। फिर इसको हल्के हल्के अपने होठों पर मसाज कीजिए। इससे आप लगभग 1 मिनट तक मसाज कीजिए और फिर अपने होठों को गुनगुने पानी से धो लीजिए। इससे आपके होठों पर जमी डेड स्किन सेल्स हट जाएगी और इसमें मौजूद शहद और नारियल के तेल से आपके होठ गुलाबी और सुंदर बन जाएंगे। तो ये तो थी बात स्क्रबिंग की, तो चलिए अब हम जानते हैं ऐसा उपाय जिससे आपके होठ प्राकृतिक रूप से गुलाबी बन जाएंगे। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों को लेना है और उनको क्रश कर लेना है यानी पीस लेना है। फिर उसमें 1/2 चम्मच मलाई और 1 या 2 बूंद ग्लिसरीन की मिलानी है। अब इस पेस्ट से अपने होठों पर अच्छी तरह मसाज करनी है और फिर थोड़ी देर बाद अपने होठों को धो देना है। अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपके होठों की स्किन टोन लाइट हो जाएगी। इसमें मौजूद मलाई और ग्लिसरीन होठों की त्वचा को नरम बनाते हैं और गुलाब की पंखुड़ियाँ होठों की रंगत निखारती हैं और उनको गुलाबी और सुंदर बनाती हैं। ये थे ऐसे तरीके जिनसे आप अपने होठों को गुलाबी और सुंदर बना सकते हैं। ऐसे ही और नुस्खे जानने के लिए हमारा चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।